जनाब आज प्रोग्राम है साड़ा संगोई जड़ा पार्क बने वो देखना चलने उधर अगर देखो किस तरह का पार्क है। ऐ मेरा ट्रांसपोर्ट है जी, सख्त गर्मी है ते इधर जनाब जेलम कोट बजीरा ते इस पास जनाब संगोई चटाल संगोई तक मौजूद है चटाला खुद अगर पिंडाल खान तक ते सड़क की हालत इस तरह मैं इस जामा या प्राडो तेंजर से मैं आया इधर तो जंप बड़े लगते हैं सड़कें तक तक लो जंप है, है, है? चलो जी दुखाने तो अगर जाकर पार्क दुखाने संगोई का नफीस साहब है नफीस साहब लो जी मैं इस वक्त संगोई बैठे हाँ ते गर्मी है ते तुहानू संगोई दिखा देने थोड़ा बहुत जे कोई लेडीज ने विच होई ते ए आ गए उस जगह तो मैं उस जगह से बैठे हैं वो टुर गए ने ते ए आ गए इन्हां नाल ही सवारी करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त संगोई जिला जेलम मौजूद हाँ तो तुसी यूट्यूब चैनल तक रहे हो मेरा रशीद मलिक अहमद आओ तुहानू संगोई का पार्क दिखाइए। वो बच्चा टह पिया स्कूटर से अल्लाह ताला सब नू महफूज रखा है। ठीक है बच गया लो जी ये संगोई पार्क बने हैं बेहतरीन है दौलशाह साहब का बुखारी सेंटर शाह होना का प्लाजा जी माशाल्लाह आखो ना जी आखो मैं के आखना पार्क देखिए संगोई कस्बे के ए पार्क बनाया गया जी बेहतरीन इतना केड़ा फर्क पड़ना है ए कैमरा तुसी पकड़ लो तो मैं टूटना ऐसे बस कैमरा ऐसे पकड़ लो मैं तो ही गया ना पड़े ऐसे नाल वीडियो बनता पिया ए था गया हूं सर तू दस रे जा मैं वीडियो बनाई जा ना। लो जी संगोई दे विच मौजूद हां जिला जेलम ए सब नु अल्लाह ताला दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए ते आओ पार्क चलो सारी काबिज से चाचू वगैरह नहीं है या ये सारा अंदर असा ही किते है जी दाखिल हो। अच्छा ये बच्चे है ना ये तो है या नहीं देते हैं ये जुने ना के फरमाए मैं सारे जितनी मेहनत सारी काबिज जेडी है चाचू ये बचना मुश्किल सी। अच्छा रात दिन असि 24 बहुत अच्छा काम किया है जी और सदका जा रही है फीस भी ला 100 बंदा रखे उसकी दफा देने बाकी आपो फ्री करी ले माशाल्लाह माशाल्लाह बस इसमें दुआ है ये संगोई ने पहचान बन गई है बिल्कुल जी संगोई की पहचान बन गई है और सामने मन बोर्ड नजर आ रही है ना जनाब किसी वक्त जिसले असि जवान सा उसले असि इत्थे आंदे सा चौधरी तालिब साहब कोल ते चौधरी तालिब साहब तक आरो पर पिछे परली तरफ है ते ए बात 1976-77 दी है 78-79 उस वक्त इत्थे कुछ भी नहीं सी हुण इत्थे माशाल्लाह पार्क बने है बेहतरीन जा जी इत्थे छप्पर से मैनूं पता है ऐ जिहड़ी जगह ना इत्थे जनाब बहुत बड़ा छप्पर सी तालाब सी उहदा इक सिरा ओह उत्थे बोड़ी हेठ जांदा सी रौनक होंगी शाम बेंच बने बच्चों के खेलने की जगह बनी है तो अगर मैं ना जाता क्योंकि अगर मस्तूरात बैठी तो बहरहाल संगोई वाले तुहाडे वास्ते बहुत अच्छी जगह बन गई है बैठने वास्ते तो असी तो कोट बसीरे होंने बिल्कुल पार्क जड़ा ना ये बुखारी सेंटर दे बिल्कुल सामने बने हैं पौधे हुण आस्ता आस्ता बड़े होने लगे दरख्त माशाल्लाह साल दो साल बाद
ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗੋਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਗੇਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੇਟ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਚਾਰ ਗੇਟ ਇੱਕ ਗੇਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗੋਈ ਦਾ ਕਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇਗਾ ਨਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੁਟਾਲਾ ਖੁਰਦ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਖਲੋਤਿਆ ਮੇਰਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਫੀਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਸਖਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਗੋਈ ਹੈ ਸੰਗੋਈ ਇਹ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਛੋਟੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਜੇਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾੜਿਓਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਗੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਜੰਪ ਤੈ ਖੱਡੇ ਇਹ ਤੱਕ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੰਗੋਈ ਅੱਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਮਲਕ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।